बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। माय फेवरेट एक्टर इज वरुण धवन। हिज एक्टिंग इज रियलिस्टिक, मतलब वो जब एक्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो ऐसा लगता नेचुरल कर रहे हैं। अभी जस्ट जुड़वा 2 आई थी उनकी जो मैंने देखी, और भाई कैसा है दिल के टूटे मीनार, तेरी अच्छा की बत्तियों में तेल खल्ला सुई क्या, अरे उबलते हो चावल के ठंडे जाग वाले पानी, तू मेरे को छेड़ा, अरे बुढ़ापे में उड़िया मारी क्या, झूलती कमर देख शर्म कर, इज्जत की हांडिया पकड़। हो टाइगर श्रॉफ मेरा फेवरेट एक्टर है और मुझे कैटरीना कैफ पसंद है। माय फेवरेट एक्टर इज सलमान खान, ऋतिक रोशन, मुझे उनकी क्रिश बहुत अच्छी लगती है और वो उनका एक्शन बहुत अच्छा होता है और उनके हेयर्स बहुत लंबे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फेवरेट हीरोइंस हैं प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर, मुझे उनकी मूवी जब वी मेट बहुत पसंद है और मैं एक डायलॉग कहना चाहती हूँ जब वी मेट मूवी से ही, किस दुनिया में तुम हो, तुम्हारी वजह से मैं ट्रेन मिस हुई, मेरा सारा सामान चला गया और अब मैं कपड़ों में स्लीपर्स पहने बनारस नाम के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और मैं क्या करूंगी। हाँ तो गाइस चेन इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे बहुत सारे कैरेक्टर्स करेंगे, आई थिंक इसी एज ग्रुप के नहीं बाकी सारी एज ग्रुप के एक्टर्स अगर चाहें तो ये चेन इम्प्रोवाइजेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप स्पॉन्टेनियस बनेंगे, आपका इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स बढ़ेंगे जो कि एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करते हैं एक्टर्स लाइक गोविंदा जी, कादर खान, जॉन लिवर साहब या परेश रावल जी, ये सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं जब इम्प्रोवाइजेशन की बात आती है, जहां आप स्पॉन्टेनियस ही हो रहे होते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करनी पड़ती है, जहां पे आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलती, जहां आप स्पॉन्टेनियस पे ही खेल रहे होते। तो चेन इम्प्रोवाइजेशन आपको स्पॉन्टेनियस होने में हेल्प करेगा और आप चाहें तो इसको घर पे कर सकते हैं अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ मिलकर। तो ये एक्सरसाइज आपको स्पॉन्टेनियस और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को शार्प करेगी। सो गाइस आज की हमारी एक्सरसाइज है चेन इम्प्रोवाइजेशन। ऑलराइट, तो चेन इम्प्रोवाइजेशन में हम क्या करेंगे, पहले एक पार्टिसिपेंट आएगा जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर से बात करेगा, वो बात कुछ भी हो सकती है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। फिर आप में से दूसरा पार्टिसिपेंट आएगा जो पहले वाले पार्टिसिपेंट को एक कैरेक्टर दे देगा। सपोज मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ठीक कर दो, राइट? तो आप वो डॉक्टर बन गया तो आपकी कॉन्वर्सेशन वैसे ही होनी चाहिए। ऑलराइट, मेक श्योर कि आप लोग अपने अपने कैरेक्टर में रहे जो आपको दिया गया आपके फ्रेंड के थ्रू, आपके मैनरिज्म वैसे होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ट्राई करते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? करेक्ट, कम। अरे देखो पता है स्कूल में क्या हुआ, आज ना जीके की टीचर एब्सेंट थी तो मैथ्स की टीचर जीके के लिए आई, तो मैथ्स टीचर का जीके तो एकदम बकवास है, बहुत ऐसी आया इस क्लास में, बहुत मजा किया। मैथ्स की टीचर ना वैल्यूएट भी बहुत गंदा पढ़ाती है। ऑटो वाले भैया जो चलोगे? जो नहीं जाएगा था, गैस नहीं अभी पर भरवाने का। अरे भैया थोड़ा सा ही गैस लगता है। अरे नहीं है इतना गैस, कहाँ करें हम? क्या भैया प्लीज चलो ना। अच्छा सुनो, नहीं जाएगा बोल रहे हैं, हमारी एग्जाम है भैया। अरे लाल बत्ती जल्दी दिखता नहीं है का? चपेट दे देंगे। ये थोड़ा अच्छा बात। अरे नहीं जाएगा भैया। ये टमाटर कैसे दिए? दीदी ये 50 के मिलेंगे, एकदम लंदन से फ्रेश फ्रेश लाए आपके लिए। पक्का? पक्का, लंदन का ही एग्जाम। सड़ेंगे तो नहीं ना? नहीं सड़ते नहीं है, लंदन का हमेशा माल टिकता है 3-4 साल तक। ठीक है टमाटर दे दो 1 किलो। चलो आपके लिए टमाटर है इतने, 1 किलो। हाँ भिंडी कैसे दी? दीदी भिंडी 5,000 की मिलेगी। 5,000 लाइए दीदी, फ्रांस से लाइए। 200 सबसे बेस्ट क्वालिटी है। 100 दीदी क्या है, जब तक आप उनको दिलाओ 5,000 तक ज्यादा होता है। दीदी प्लीज ले लो बस, बस दीदी और कम नहीं होगा आपको, 5,000 में लेना होगा बस। अभी हम पुलिस को बुला देंगे। ओके नेक्स्ट, फाइनल प्रेज़। नहीं वो कल मेरा शूट है जो मुझे अच्छे स्टाइल चाहिए। ओके सो प्लीज आप सीट। या आपकी बाल बहुत रफ है। हम एक काम करते हैं, हम आपको गंजा कर देते हैं और फिर विग लगा देते हैं। That's perfect. क्या? गंजा और विग? या क्या कलर वलर नहीं कर सकते? ठीक है हम कलर कर देते हैं। हाँ? फिर हम थोड़ा इधर ब्लू कर देते हैं और इधर येलो और ये पूरा ग्रीन। That look amazing. हम आपके हेयर को रेनबो बना देंगे। That'll be amazing. Seriously. रेनबो? या हम कोई एक कलर नहीं कर सकते? एक कलर बहुत बोरिंग है, वो ऑल कलर्स
बट इट्स लाइक वेरी डर्टी। बहुत अच्छा दिखेगा आई एम श्योर। श्योर या क्योंकि मैं सलमान खान और शाहरुख खान सबका है करती हूँ। दैट्स अमेजिंग यू नो। ओके लुक अमेजिंग। ओके देन डू इट। ओके ओके नेक्स्ट। अरे हाँ वो वॉचमैन अंकल, हमारी आपने कल कार अच्छे से नहीं धोई, ये क्या करते हो? अरे वो सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा था तो हम क्या करें, आपको अच्छे से धोना था ना। पर पानी नहीं है तो कैसे धोएंगे? आप अभी के अभी जाके पानी लेके आओ, और अभी के अभी आ दो। सोसाइटी से बात करो, हमें पानी नहीं देते गाड़ी धोने के लिए, तो हम क्या करें? ये लो हमारा पैसा पकड़ो और आपके साथ साथ हमारा भी गाड़ी धो देना। ये क्या बात हुई? ओके नेक्स्ट। धो देना मतलब धो देना बस। अरे ये तो लो। मम्मा आज मैं एग्जाम में फेल हो गया। अरे बेटा ये क्या करता है? मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल दिया कि आज तो मेरा बच्चा टॉप आएगा और तू ये करता है। मम्मा मैंने किसी और का क्वेश्चन किसी और के आंसर में लिख दिया। अरे बेटा अब देख, अब मैं तेरे पापा से कंप्लेन करूंगी। नहीं नहीं, अरे इतनी छोटी बात के लिए क्या कंप्लेन कर रही हो? शायद मार्कशीट एक्सचेंज हो गई होंगी। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो सब अच्छे से लिखा था। अच्छा अच्छा हाँ। नहीं आज तो मैं तेरे पापा से पक्का कंप्लेन करूंगी। नहीं पापा, पापा घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं मम्मी प्लीज, मम्मा पापा पागल है। अरे ये का, ये तो स्क्रीन ही टूटा हुआ है। अरे ये तो 20,000 का है। अरे भैया इतना सही तो टूटा हुआ है, एक स्क्रैच है खाली। अरे आईफोन 6s है सही है, पता नहीं है कितना महंगा होता है। आपने तो खरीदा होगा ना ये 6s, इसका स्क्रीन टूटा हुआ है, सीधा 20,000 लगेगा। अच्छा ठीक है वो काट लो। हाँ 30,000। हाँ देखो होम बटन भी नहीं चल रहा है, इसका और 20,000 लगेगा। अरे भैया चल तो रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक। थोड़ी देर पहले ना, अभी हमारे हाथ में आके टूट गया तो हम क्या करें, कुछ कर सकते हैं आप? नहीं चलो इसका भी 20,000 लगा लो आप। अरे यार चलो वो भी काट लो। और ये अभी ठीक है सब ठीक है। दर्जा कैमरा चेक करते हैं। कैमरा भी टूटा हुआ है, कैमरा टूटा हुआ, स्क्रीन टूटा हुआ। अरे भैया टूटा हुआ इतना सा चलता है? इतना सा चलता है का? हम लोग को भी अपने कस्टमर को बेचना है, इसका और 20,000 लगा लो। अरे भैया चलो 60,000 हुआ और आपने 50,000 भी बेचा था, चलो 10,000 तो हमारा। अरे लेकिन आपने थोड़ा मेरे को बेचा 10,000 दे आपको समझ नहीं आता क्या? अरे भैया लेकिन आपने हमें थोड़ा पैसे दिए। फ्रीज बेटा, आप हंसो मत, इस एक्सरसाइज को सीरियसली करो। ओके यहाँ पे जरूरत नहीं ना हंसने की, फिर आप क्यों हंस रहे हो? अच्छा रख लो ठीक है, माफ करो। नेक्स्ट। पापा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे उससे शादी करनी है। क्या बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है अभी शादी करने की, तुम सिर्फ 6 साल की हो। लेकिन मैं तो 6 साल की हूँ ना, तो आपने तो कहा था कल कि आप तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो। अरे बेटा लेकिन 6 साल की उम्र में तुम शादी नहीं कर सकती। मुझे करना है तो करना है। नहीं मुझे करना है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगी, मैं ट्यूशन छोड़ दूंगी, मैं स्कूल छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। अरे बेटा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पापा झूठा झूठा। दादी दादी सिर्फ 200 रुपए दे दो ना, पिक्चर देखने जाने। दादी नहीं दे, नहीं दे सकती। अरे दादी सिर्फ देखने जाने दे, 200 रुपए दे दो ना। तू भी पागल है, तू है तेरा बाप भी पागल है। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सबसे बेस्ट डील लूंगा, आप मुझे बस 15,000 में छोड़ दीजिए। ओ रिश्वत नहीं लेता मैं, टॉप का इंस्पेक्टर हूँ यश बोजवानी। ऑफिसर प्लीज मेरी बात सुन लिए, थोड़ा कोऑपरेट। नहीं सर प्लीज। अच्छा ठीक है, 1,00,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। इंस्पेक्टर सर ओ 1,00,000 के नीचे अपना ईमान नहीं बेचता, समझा गया? सर एक बार सुन लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। पांडे इसको लेके जा साहब प्लीज। बात नहीं सर, 80,000 ऑफिसर प्लीज ना। अरे जो आपने वो कुत्ता दिया था वो म्याऊं म्याऊं करता है, कैसे कैसा मैचो खोला आपने? वो कुत्ता नहीं था वो बिल्ली थी। लेकिन क्या वो, लेकिन आपने तो वो कहा था कि वो कुत्ता है। मैंने तो बोला था बिल्ली है। क्या कुछ भी ऐसे आप मैडम, वो कुत्ता के म्याऊं म्याऊं करेगा क्या? लेकिन वो कुत्ता ही था आपने कहा था। क्या कर रहे हो, वो बिल्ली है। मेरी आईसेट थोड़ी अच्छी नहीं है ना, फिर खराब है इसलिए। आप
लेकिन आपने कहा था ना। ओके नेक्स्ट। या अरे मैंने बिल्ली कहा था। कुछ भी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारा बच्चा फेल हो गया, तुमने उसे बिगाड़ा है। तुमने उसे बिगाड़ा है? तुम उसको हर बार बाहर लेके जाते हो ना, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो पूरे दिन घर में तो तुम रहते हो, तुम उसे पढ़ा नहीं सकती क्या? अरे ऐसा नहीं, वो क्या वो लगा रखा है क्या यार? तुम हर बार मुझे ही कहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? तो तुम घर में रहते हो तो उसे क्यों नहीं पढ़ा पाती? अरे इतना काम पड़ा रहता है। तो काम करने के बाद पढ़ाओ ना उसे। मैं रोज शाम को देखता हूँ नीचे खेलने चला जाता है। तो रोको, अगर तुम देखते हो उसे तो रोको। अरे डॉक्टर साहब, हमें ना वो एक प्रॉब्लम है। मैं जैसे घर पे जाती हूँ तो घर भूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ तो ट्यूशन भूल जाती हूँ, और आज तो मैं अपने मैम का नाम भी भूल गई। अरे तुम टेंशन मत लो, तुमने हमारे बारे में कुछ जाना है क्या? हम दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर है। आज तक जितने की भी याददाश्त गई है ना, सबकी हम बस लेके आए। मैं तुम्हें दवाइयाँ देता हूँ, वो खा लेना, ठीक हो जाओगी। हाँ ये लो, ये सुबह शाम, और ये भी सुबह और शाम, और ये वाली दवाई सिर्फ दोपहर को लेना। इसका क्या था? ये सुबह और शाम, और ये भी, और ये सिर्फ दोपहर को। दोपहर को? हाँ। अब 280 रुपया दो। क्या था? पैसा निकालो। किस बात के पैसे? ये दवाइयाँ ली उसके पैसे। मैं तो कुछ भी नहीं खरीदा। ये लो अपने पैसे और ये लो अपनी सारी दवाइयाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सच में पागल हो, तुम जाओ यहाँ से। हेलो मैडम, प्लीज वॉक इन आवर फिल्म। मैम आप मेन हीरोइन होगी, बाकी सब फर्नीचर रहेगा। आप मिस हमारी फिल्म में काम कीजिए, ऑस्कर मिलेगा आपको। अरे अरे आप छोड़ो ना, आप हमारी फिल्म में काम कीजिए, आपको ऐसे एक दो एक फिल्म फेयर अवार्ड, आईटा जो अवार्ड चाहिए आपको सब मिल जाएगा, ऑस्कर भी मिलेगा आपको। सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे 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 मैडम स्क्रिप्ट तो सुन लीजिए। तो क्या होता है, ये यहाँ पे एक कबर्ड होता है और यहाँ पे एक शेड है, ठीक है? तो आप यहाँ से कपड़े निकालती हो और बुक्स में डालती हो, फिर बुक से कपड़ा निकालती हो, फिर कपड़े में डालती हो, फिर बुक से निकालती हो, और फिर यहाँ से आप कंप्यूटर में डाल देती हो। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे कौन सी फिल्म होती है? अरे मैडम सुपर स्क्रिप्ट है, ये साउथ इंडिया में भी ये मूवी चला है, क्या चली? सॉरी अरे अरे मैडम प्लीज, अरे मैडम प्लीज नेक्स्ट बाय। इतने टाइम से तू फोन नहीं उठा रहा है, 3 साल से तुझे फोन कर रहा हूँ भाई। अरे 1 लाख रुपए लिए हो यार, अब तो वापस कर। देखो पैसे चाहिए। हाँ देखो पैसे चाहिए। तुझे मेरा हाल पता है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे पास, मजदूरों की तरह काम करता हूँ खेतों में मैं। अरे पर तूने वो पैसे कहाँ खर्च कर दिए? अरे क्या बोलो यार, मैंने कितने लोगों से पैसे लिए थे, तेरे से पैसे लिए तो उनको देने पड़े, तेरे को देने पड़ गए। मैंने अपने सारे पैसे जुए में लगा दिए, दारू में लगा दिए। तूने मेरे पैसों से जुआ खेला, मेरे पैसे अभी की अभी वापस कर, चल। ऐसे नहीं है मेरे पास। नहीं, अभी वापस चाहिए मुझे।